जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 जय 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 अखिलेश जय अखिलेश अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 जय अखिलेश जय अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद 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 बहन मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद जी, किस तरह का पोस्टर है, क्या इससे संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? आज बनारस के माननीय अमीर चंद पटेल जो लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो बीजेपी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने जो निरहुआ को उतारने का काम किए हैं, तो क्या यहाँ पे हम लोग भी अपने आदरणीय श्री अमीर चंद पटेल के साथ खड़े हैं। और ये पोस्टर आपको 90% गलियों में मिलेगा देखने को, और हम लोग अखिलेश यादव के साथ हैं, हमारे नेताजी भी साथ हैं, हम इनके साथ हर दुख सुख और हर समय हम लोग खड़े रहेंगे। जो ऊपर से कमान हाई कमान से आदेश आएगा नेताजी वही करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं अमीर चंद पटेल और माननीय मोदी जी की भी तस्वीरें हैं और नीचे एक संदेश है, क्या है वो? संदेश यह है कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय के खिलाफ ऐसे लोगों को खड़ा किए हैं जिनकी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है, तो क्या मोदी जी के खिलाफ यहाँ के जमीनी और यहाँ काशी के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, इनके खिलाफ इनका भी भाग बनता है लड़ने के लिए उनको, ताकि ये संदेश जाए कि उनके सामने अगर ऐसे कर सकते हैं तो हम लोग भी उनके सामने मोदी जी के सामने कर सकते हैं। सपा ऐसे लोगों को तवज्जो देती है जो जमीनी लोग हैं? जरूर देती है, हमारे नेता जो हैं बहुत दिल के साफ हैं, और आने वाले भविष्य में आप देखिएगा जो मोदी जी ने किए हैं वो बनारस में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करके दिखाएंगे। जी अपना परिचय। अमीर चंद पटेल, वाराणसी, बनारस। पोस्टर जो आपके समर्थन में लोग यहाँ पर जो पोस्टर लेके खड़े हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि आजमगढ़ से जो है माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश भाई को टिकट मिला था समाजवादी पार्टी से, और बड़ा नेता होने के कारण उनके सामने वो एक नाचने गाने वाले को उतार के उनके सम्मान के खिलाफ जो है भाजपा जनता पार्टी ने एक तरह उनको अपमानित करने का काम किया है, तो ये पोस्टर उनके अगेंस्ट हमने इसलिए करवाया है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे लोकसभा वाराणसी से सम्मानित प्रत्याशी रहे और सांसद रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, तो क्यों न उनके खिलाफ अमीर चंद पटेल को लड़ाया जाए, ताकि उनको ये समझ में आए भाजपा को कि किसी के सम्मान के खिलाफ किसी वैसे आदमी को लड़ाना चाहिए जो सम्मानित पद पे सम्मानित जगहों पे रहा हो, सम्मानजनक स्थिति में रहा हो, तो तब आभास होगा कि नहीं प्रधानमंत्री जैसे आदमी के सामने प्रधानमंत्री के कलेवर का आदमी लड़ना चाहिए, न कि अमीर चंद जैसे आदमी। तो जब अमीर चंद को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अमीर चंद निर्दल लड़ रहे हैं, तो लोगों को आभास होगा कि नहीं जो है जमीनी नेता लड़ रहा है, इनको वोट मिलना चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए इनको, तो सभा टीका टिप्पणी जो आएगा उससे ये मालूम तो चलेगा भारतीय जनता पार्टी को, नहीं किसी के अपमान के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। अभी तक आप कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं, कौन कौन से चुनाव में जनता के बीच गए हैं? हमने जो है 2004 में लोकसभा लड़ा था वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी के टिकट, उसमें हमने तीसरे नंबर का प्रदर्शन किया था, फिर हमको टिकट मिला समाजवादी पार्टी से MLC का, आज वर्तमान में
समाजवादी पार्टी के ही बैनर तले काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख, हमारे घर का ही सदस्य भतीजा है मेरा, और आगे हमने टिकट के लिए दावेदारी भी कर रखा है कि वाराणसी और चंदौली और मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से। अगर हाईकमान आपको टिकट नहीं देता तो हाईकमान के सपोर्ट में किस तरह आप खड़े रहेंगे इसके बारे में बताएं। हमको टिकट मिले ना मिले, हम जो है बराबर जो है समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए, वाराणसी क्षेत्र के हित के लिए बराबर जो है लगे रहेंगे और लगे हैं, पहले से भी लगे थे। रह गए अपने हाईकमान की बात, तो हाईकमान का निर्णय स्वरपरि है, उनके खिलाफ मेरे बस का नहीं है कोई टीका टिप्पणी करना। उनके सम्मान में जो करना बनेगा हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते करते रहेंगे। इस पोस्टर से क्या लोगों के बीच एक संदेश देना चाह रहे हैं? इस पोस्टर के माध्यम से मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सम्मान करना भी सीखिए, सिर्फ सम्मान पाने का हक मत रखिए, किसी भी नेता का सम्मान करना जानिए। खाली आप सम्मान के वशीभूत होकर जो है पागल होकर घूमते हैं कि मुझे सम्मान मिले, मुझे सम्मान मिले, सिर्फ यही मेरा कहने का एक संदेश है कि एक छोटे से लेके बड़े लोगों का भी सम्मान करिए, जो गरीब तबके के उनका भी सम्मान करिए। हम तो गरीबों से जुड़े हैं, गरीबों का सब हाल जानते हैं, गरीबी से पले हुए हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी भी सम्मानित आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये अनोखा तरीका आपने कहाँ से अपनाया? हमने ज़मीन से अपनाया है, देखा है, हमने गरीबी अमीरी सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अगर उस गरीबी को देखे होंगे तो सम्मान करना जानते होंगे, इसलिए वो भी सम्मान करेंगे और किसी को अपमानित नहीं करेंगे। और जो नहीं सम्मान गरीबी देखा होगा, जो नहीं सब जानता होगा, इसलिए किसी को अपमानित करते रहे अपने आवा भवा के आवेश में आके, घमंड में आके। तो हमारे कहने का सिर्फ आशा ये है कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए जो उस योग्य है। तो क्या चुनावी मैदान में आप भी आएंगे, ताल ठोकेंगे? जरूरत समझा जाएगा तो, अगर बनारस से अगर टिकट भी नहीं मिलेगा तो हम निर्दल भी लड़ेंगे। निर्दल इसलिए लड़ेंगे कि बनारस के होने के नाते, जमीनी होने के नाते, हर दुख सुख में शरीक होने के नाते, हर गरीब कमजोर वर्ग का हाल जानने के नाते मुझे लड़ने का हक है, और मैं लड़ूंगा और दिखाऊंगा कि हाँ कोई है बनारस में लड़ने लायक कि नहीं। बाहर वाले ही सिर्फ लड़ते रहेंगे, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बिहार के, कि बनारसी भी कोई लड़ेगा? तो बनारस के नाते मेरा हक बनता है कि अपनी बनारस की बात को मैं कहूँ और बनारस के गली कुची का हाल बताऊँ, प्रधानमंत्री तक बताऊं कि आप बनारस का हाल जानते भी हैं, खाली रोड रास्ता चमका देने से काम तो होगा नहीं, गली कुची का भी हाल जानिए, गरीबों का हाल जानिए, मड़ई झोपड़ी वालों का हाल जानते हैं कि नहीं? सिर्फ आप लाइट करा दे, रोड बनवा दे, बिजली करा दे, थोड़ा सा कुछ और करा दे, जो आबो हवा जो मीडिया छाप दे दिखा दे, इससे थोड़ी गरीबी चली गई। यहाँ बनारस में भी गरीब लोग रहते हैं, उनको भी कुछ आवश्यकता है, उनकी भी ज़रूरत को इनको पूरा करना है। तो इसलिए मैं लड़ूंगा कि गरीबों की बात को हाई कमान तक पहुंचाया जाए।